नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आइए रुक करते हैं आज कुछ अहम खबरों पर। बम्बई हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक को दी जमानत। सीबीआई कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का रुख। कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली में लैंड होने वाली 3 फ्लाइट्स जयपुर की तरफ डाइवर्ट। यूपी में पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पर सपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के कुलपति विनय पाठक के खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की बात अफवाह निकली, रेलवे ने किया दावा। कोलकाता में आज से G20 की पहली बैठक, भारत समेत 19 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इंडिगो की फ्लाइट में एयर होस्टेस और कैप्टन से मारपीट, शराब के नशे में छेड़छाड़, 2 अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, घने कोहरे के कारण नहीं दिखी कार, 2 बच्चे समेत 4 लोग जख्मी। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने की फायरिंग। घने कोहरे से थमी वाहनों की स्पीड, बठिंडा आगरा लखनऊ में 0 विजिबिलिटी।